मुस्लिम्स के खिलाफ बीजेपी नेता ने उगली आग, भड़काऊ बयान में कह दी घरों को आग लगाने की बात, वीडियो वायरल। करे बिना हमको तैयार होना पड़ेगा कि हम गांव-गांव में आग लगाएं, गांव-गांव में खड़ा करें। लोगों को नफरत की आग में झोंकते बीजेपी नेता का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में खुद बीजेपी नेता लोगों को दंगा करने के लिए भड़का रहे हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बीजेपी नेता लोगों को मुस्लिम समुदाय के लोगों के घर जलाने की बात कर रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के भाजपा नेता राम मोहन पाराशर का एक बेहद भड़काऊ भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते सुनाई दे रहे हैं कि सभी हिंदू नपुंसक है। भाजपा नेता ने कहा कि हर गाँव में 10 से 20 लड़कों को अपने घर में हथियार रखने चाहिए। 10-20 लड़के तलवार वाले हथियार वाले खड़े नहीं हुए। न्यूज एजेंसी पंजाब केसरी के अनुसार वायरल वीडियो पिछले कुछ दिनों का बताया जा रहा है, जब लटेरी के एक गांव में आपसी रंजिश के चलते भाजपा नेता कुछ लोगों के साथ लटेरी तहसील पहुंचे थे। इसी दौरान तहसीलदार अजय शर्मा के सामने वहां पर मौजूद लोगों को हिजड़ा और नपुंसक बताया और कहा हर गांव में 10 से 20 लड़कों को तलवार और हथियार रखने के लिए उकसाया। भाजपा नेता यही नहीं रुके, उन्होंने घरों को भी आग लगाने की नसीहत दे डाली। भाजपा नेता का भड़काऊ वीडियो वायरल होने के बाद मुस्लिम महासभा सिरोंज ने एसपी के नाम ज्ञापन भेजकर इस तरह के भड़काऊ बयान देकर समाज के लोगों में जहर भरने और सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करने वाले नेता के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं कांग्रेस नेता नरेंद्र पाटीदार ने भी भाजपा नेता के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की और कहा गाँव वालों की आपसी रंजिश के चलते कुछ नफरत की विचारधारा वाले लोग लोगों में दंगे कराकर गांव का माहौल खराब करना चाहते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। वीडियो देखने के बाद आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि राजनीतिक गलियारों से जुड़ी हर वायरल खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे।